बिरोजगार संगठन के अध्यक्ष बॉबी पवार द्वारा कानून व्यवस्था को लेकर प्रेस वार्ता की गई। वार्ता में उत्तराखंड में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बॉबी पवार ने पुलिस प्रशासन और सरकार पर सवाल उठाने का काम किया है। पवार के अनुसार सरकार आंकड़ों की एवज में अपराधों को दबाने की कोशिश कर रही है, जिसको लेकर बेरोजगार संगठन आगे भी आवाज उठाने का काम करता रहेगा। देखिए, कानून व्यवस्था क्या है कि वो सबको दिख रहा है। जिस प्रकार से प्रदेश के मुख्यमंत्री को पुलिस मुख्यालय का अचूक निरीक्षण करना पड़ रहा है, जिस मुख्यालय पर पूरे प्रदेश की सुरक्षा का जिम्मा है, तो अपने आप में ये संकेत मिलता है कि वास्तव में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान लोकसभा सांसद हरिद्वार श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कानून व्यवस्था पर सवाल कर रहे हैं, या तमाम और समाजसेवी या पत्रकार बंधु कानून व्यवस्था पर सवाल कर रहे हैं, तो साफ स्पष्ट हो रहा है कि कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। और कानून व्यवस्था क्यों चरमराई हुई है, इस कारण के पीछे जाने की जरूरत है। आज जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर कुछ माह से पूरे प्रदेश को एक कार्यवाहक डीजीपी के भरोसे छोड़ा गया है, और हमने सुनने में आया कि कैडर भी उत्तराखंड का नहीं है, उत्तर प्रदेश का कैडर है, तो ये ऐसे कैसे चलेगा? और अगर कैडर उत्तर प्रदेश का था तो डीजीपी के लिए नाम कैसे भेजा गया? तमाम प्रकार के तथ्य आएंगे, और अगर नहीं है तो डीजीपी स्पष्टीकरण दे इसमें, और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री स्पष्टीकरण दे इसमें। क्यों ऐसे प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? तमाम प्रकार की घटनाएं हमने गिनाई है, काशीपुर हरिद्वार से लेकर ये पूरे देहरादून की जितनी भी तमाम घटनाएं हैं, 12 से 20 करोड़ की यहाँ पर ज्वेलरी शॉप से लूट हो जाती है, जिस दिन राष्ट्रपति जो देहरादून में आते हैं, और अभी तक 1 रुपए की रिकवरी नहीं होती है, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। उपराष्ट्रपति जिस दिन आते हैं 5 करोड़ की ज्वेलरी से लूट हो जाती है, उसमें अभी तक गिरफ्तारी नहीं होती है, क्या ये दर्शाता है? ऐसे सुरक्षित स्थानों पर हमारी बहन बेटियों के साथ गैंगरेप हो जा रहे हैं, जहां पर पुलिस की चौकियां हैं, चौकी के पीछे गैंगरेप हो जाते हैं, आईएसबीटी जैसी जगह पर। तो इस कानून व्यवस्था कौन वहां पर लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहा था, क्यों उसको सस्पेंड नहीं किया गया? झूठे मुकदमे युवाओं पर लिखे जा रहे हैं, जो युवा संघर्ष कर रहे हैं, जो ये चाहते हैं कि परीक्षा पारदर्शी से हो, या किसी के साथ अनहोनी ना हो, या इस प्रकार की जो चीज़ें कर रहे हैं जो, तो उन युवाओं के खिलाफ षड्यंत्र तरीके से मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं। ऋषिकेश की घटना में जब वो टीम जो शराब माफियाओं के खिलाफ काम कर रही थी, उन्होंने 250 से 300 पौवे जब जो माल गोदाम थाने के अंदर होता उसमें रख दिए गए, और शराब माफिया आते हैं और पुलिस के सामने उसको उठाकर चले जाते हैं। तो क्या उत्तराखंड की पुलिस शराब माफियाओं के हाथों खेल रही है? क्या उत्तराखंड की पुलिस इन बदमाशों के हाथों खेल रही है? जब किसी व्यक्ति जो आम आदमी है उसके लिए थाने में जाना होता है, मुकदमा लिखवाना होता है, उसको मुकदमा नहीं लिखा जाता, उनकी सुनवाई नहीं होती है, पर कोई रसूखदार, कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई जाए तो उनका मुकदमा लिख दिया जाता है, ऐसा क्यों? हम ये पूछना चाहते हैं, अगर कानून सबके लिए बराबर है तो वो दिखना चाहिए, नहीं तो कानून की परिभाषा जिस प्रकार से तुम शक्ल देकर हैसियत देकर अलग कर रहे हो वो गलत है, मैं ये कहना चाहता हूँ। इसके अलावा तमाम प्रकार की हमने जितनी भी चीज़ें उठाई है उन चीज़ों पर अमल होना चाहिए। यहाँ पर जो उत्तराखंड सरकार का जो खुफिया तंत्र के लोग हैं वो भी आए हैं, बिंदुवार एक एक चीज़ मुख्यमंत्री की टेबल पर रखी जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, और इसकी जवाबदारी प्रदेश के मुखिया की है और प्रदेश के डीजीपी की है। मैं यही कहना चाहूँगा, इन मुद्दों पर, इन बिंदुओं पर अगर समय रहते फैसले लेने नहीं लिए गए या कार्रवाई नहीं हुई, तो निश्चित तौर पर हम जिस प्रकार से सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, इस कानून व्यवस्था के खिलाफ भी जल्दी आपको सड़कों पर दिखेंगे। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।